हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अब एमपी स्पेशल का 8वां पार्ट। ठीक है, इसमें मिट्टियाँ देखते हैं एमपी की। आपको बता दें, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा एमपी की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे, पहले इससे पहले हम बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। इसमें शामिल है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट राइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कांप मिट्टी और बनो वाली मिट्टी। ठीक है, अब चलिए हम एमपी की मिट्टियों को स्पेशल में देखते हैं। ठीक, 5 भागों में बांटा गया। इसमें पहली है काली मिट्टी। आपको पता है ना, इससे भरी या कन्हर या रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। एमपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये एक अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है और कपास के लिए, एक कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, ये काली मिट्टी है जो दक्कन टैप बेसाल्ट अग्नेय चट्टानों से निर्मित बनती है, और इसमें चीका बालू निर्मित लोहे चूने की प्रधानता होती है। इसका जो काला रंग रहता है, लोहे की वजह से होता है, और आर्द्रता रहती है इसमें सबसे ज्यादा ग्रहण करने की, वो चूने की प्रधानता के कारण होता है। आपको बता दें, मालवा, सतपुड़ा, निवाड़ में ये पाई जाती है, और इसमें फास्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी रहती है। अगली हमारी लाल मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, ये बुंदेलखंड बघेलखंड में पाई जाती है, और ये मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में, एमपी में पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं, आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना चट्टानों से ये निर्मित होती है। ये चावल की कृषि के लिए अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें रंग, इसका लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड, लोहा के कारण है। इसका पीएच मान होता है 5.5 से 5.5 से 8.5 तक। ठीक है, ये ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी रहती है इसमें। अगली हमारी तीसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, एक इसे कांप मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें उत्तर पश्चिम जिले हैं, जिलों में पाई जाती है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी से ऊपर में। ये गेहूं कपास के लिए महत्वपूर्ण रहती है। ये मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है, बुंदेलखंड, नीस, चंबल नदी द्वारा लाई जाती है, बनती है। इसमें उर्वरता सबसे अधिक होती है। इसमें बालू, सिल्ट, मृत्तिका का अनुपात पाया जाता है 55.19:6:29:4। ठीक, इसका पीएच मान रहता है 7 या इससे अधिक, मतलब ये उदासीन से क्षारीय रहती है। इसमें नाइट्रोजन जैव तत्व फास्फोरस की कमी रहती है, और इस सरसों गेहूं के लिए भी महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगली हमारी कछारी मिट्टी। ठीक है, ये बाढ़ द्वारा लाई जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये गेहूं, गन्ना, कपास के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। चंबल नदी है ना, भिंड मुरैना में चंबल नदी, यहाँ से बाढ़ आती है तब ये मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा अपरदन भी, मतलब मिट्टी हटती हुई है, भिंड मुरैना, ग्वाल में चंबल नदी के कारण। बड़े बड़े खंडर भी पाए जाते हैं भिंड मुरैना में, जिसे डाकुओं की सैंड स्थली भी बोला जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और ये कछारी मिट्टी है जो अम्लीय प्रकार की होती है। अगली हमारी बलुई मिट्टी, ये लाल रेतीली मिट्टी है। ये बुंदेलखंड, नीस, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। इसमें फॉस्फोर, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। इसमें मोटे अनाज पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने देख लिया है 8वां पार्ट एमपी स्पेशल का, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 9वें पार्ट की, जलवायु, ऋतु, वर्षा की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।